ओके नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पेज 110। ठीक है, पेज 110 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पेज 110 में क्या दिया है, हमें यहाँ पे निकालना है कि सीक्रेट नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पेज 110 में देखना, अपना किताब में देखिए, बन्नो एंड विनोद वेयर प्लेइंग ए गेसिंग गेम। ठीक है, बन्नो एंड विनोद दोनों क्या कर रहे हैं, एक गेसिंग गेम खेल रहे हैं बाय राइटिंग क्लूज। जो गेसिंग गेम वो लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ क्लू वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, अबाउट अ सीक्रेट, एक सीक्रेट नंबर के बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लू दे रहे हैं। ईच ट्राइड टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लूज। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, सीक्रेट एक क्लूज दे रहे हैं, और वो क्लूज को यूज़ करके वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, वो सीक्रेट नंबर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, कैन यू गेस दियर सीक्रेट नंबर, क्या हम लोग उसका सीक्रेट नंबर निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ माय सीक्रेट नंबर, यहाँ पे बन्नो बोल रहा है कि व्हाट इज़ माय सीक्रेट नंबर, क्या हम लोग उसका सीक्रेट नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो निकाल सकते हैं उसका सीक्रेट नंबर। तो देखो, उसका जो सीक्रेट नंबर है, वो सीक्रेट नंबर निकालने के लिए हम लोग को कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोल दिया है, फर्स्ट कुछ जो क्लूज़ वो दे रहा है, वरना जो क्लूज़ दे रहा है विनोद को, फर्स्ट बोल रहा है इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। देखो, हाफ ऑफ 100 क्या होता है, 50। ठीक है, तो ये 50 से बड़ा है जो नंबर वो बोल रहा है, वरना जो नंबर बोल रहा है वो नंबर क्या है, 50 से ज़्यादा है। इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 50, दैट मीन्स 50 से वो ज़्यादा है। तो 50 से ज़्यादा है, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, इट इज़ मोर देन 6/10 एंड लेस देन 7/10। ठीक है, यहाँ पे एक लेस देन होगा, लेस देन 7/10। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि वो 60 से ज़्यादा है पर 70 से कम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप में बोला कि ऐसा एक नंबर लो जो कि लार्जर देन हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100, लार्जर देन हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 क्या होता है, 50। ठीक है, लार्जर देन मतलब बड़ा, 50 से बड़ा, वो नंबर जो है वो नंबर 50 से, फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि वो 50 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि वो 60 से बड़ा है पर 70 से छोटा है। तो वो जो नंबर है वो नंबर किस में आएगा, 60 से 70 के बीच में आएगा, क्योंकि वो जो नंबर बोल रहा है, जो क्लूज दे रहा है, वो क्लूज क्या दे रहा है, इट इज़ मोर देन 6/10 एंड लेस देन 7/10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो आपका आ रहा है, वो नंबर आपका 60 से 70 के बीच में आएगा, क्योंकि वो 60 से ज़्यादा होगा, 70 से कम होगा। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, देखो, द टेंथ डिजिट इज़ वन मोर देन द वंस डिजिट। अब बोला जो टेंथ डिजिट है इज़ वन मोर देन द वंस डिजिट। तो देखो, जो डिजिट होता है, हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट प्लस देन 10+ देन 100+। तो जो ये आपका यूनिट प्लेस वन प्लेस है और ये 10+ है। सपोज अगर कोई डिजिट 2 डिजिट का है, 60 से 70 के बीच में अगर कोई नंबर है, तो वो डेफिनेटली 2 डिजिट का होगा। तो 2 डिजिट के में जो 10th डिजिट है, यहाँ पे जो है वो वन मोर देन द वंस डिजिट। दैट मीन्स अगर ये 3 होगा तो ये 2 है, यह एक ज़्यादा होगा। 10th डिजिट में जो आ रहा है वो हमेशा एक ज़्यादा होगा। तो अगर ये 7 है तो ये 6 होगा, क्योंकि वंस डिजिट दैट मीन्स यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, जो जितना भी आ रहा है उससे एक ज़्यादा आपका 10th डिजिट में होगा। ठीक है, लास्ट में क्या बोल रहा है, देखो, टुगेदर द डिजिट हैव ए सम ऑफ 11। तो दोनों डिजिट मिला के आपका 11 होना पड़ेगा। तो देखो, 11 हम लोग कैसे 11 ले सकते हैं, 2 डिजिट क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका 9+2 करेंगे तो भी 11 हो सकता है। ठीक है, 6+5 करेंगे तो भी हमारा 11 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 7+4 करेंगे तो भी हमारा 11 हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो क्लू है, वो लास्ट क्लू किस में मैच कर रहा है, 6 और 5, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग वंस प्लेस में अगर 5 लेंगे और 6 प्लेस में अगर 10th प्लेस में अगर 6 लेंगे, तो लास्ट क्लू जो है ये मैच हो रहा है। ठीक है, कि टुगेदर द डिजिट हैव ए सम ऑफ 11, ये भी मैच हो रहा है। द टेंथ डिजिट इज़ वन मोर देन द वंस डिजिट, 10th डिजिट ये है, विच इज़ वन मोर देन वंस डिजिट, जो कि वंस डिजिट से एक ज़्यादा है। मोर देन 60, लेस देन 70, 65 क्या है, यहाँ पे आता है मोर देन 60, लेस देन 70,
एंड इट इज़ हाफ ऑफ 50, मोर देन इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 50। तो ये पांच जो क्लू है, ये पांच क्लू को मैच कर रहा है और हम लोग बोल सकते हैं कि 65 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं 65 इज़ द आंसर। ठीक है, सिमिलरली ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। अब क्या बोल रहा है कि 50 से छोटा है ये। ठीक है, जो नंबर गेस अभी विनोद वन्नो को बोल रहा है कि इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100 क्या होता है, 50 से कम होगा। ठीक है, 50 से वो आपका क्या होगा, 50 से कम होगा। इट इज़ मोर देन 4 tens एंड लेस देन 5 tens, तो वो नंबर जो है वो 40 से 50 के बीच में होगा। ठीक है, हाफ ऑफ 50 क्या होता है, स्मॉलर देन हाफ ऑफ 50 मतलब क्या, 50 से कम। फर्स्ट क्लू क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो क्लू अभी विनोद जो वन्नो को गेस कर रहा है, एक नंबर का सीक्रेट नंबर बोल रहा है, उसमें क्या गेस कर रहा है, वो बोल रहा है वन्नो को कि मेरा जो सीक्रेट नंबर है वो सीक्रेट नंबर 50 से छोटा है। इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 50, दैट मीन्स वो नंबर 50 से छोटा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ मोर देन 4 tens एंड लेस देन 5 tens, और क्या बोल रहा है कि वो नंबर 40 से 50 के बीच में आएगा। द टेंस डिजिट इज़ टू मोर देन वंस डिजिट, टू मोर देन, अब बोल रहा है टेंस डिजिट इज़ टू मोर, देखो यहाँ पे टेंस, यहाँ पे वंस, दैट मीन्स यूनिट प्लेस, एंड टुगेदर डिजिट है इज सम ऑफ 6, और क्या बोल रहा है, सम ऑफ 6 होगा। तो जो नंबर है 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो 6 का ऑप्शन क्या क्या होता है, 4 + 2 करोगे तो आपका 6 हो सकता है, 5 + 1 करोगे तो आपका 6 हो सकता है, 3 + 3 करोगे तो आपका 6 हो सकता है, क्योंकि टुगेदर द डिजिट इज सम ऑफ 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली 4, 2, क्योंकि क्या बोला है कि टेंस डिजिट इज़ टू मोर देन वंस डिजिट। तो वंस डिजिट में अगर 2 होगा तो वो टेंस डिजिट में कितना है, 2 ज़्यादा है, 4 है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 42। तो देखो यहाँ पे जो सीक्रेट नंबर का गेस कर रहे थे वो क्या क्लू दे रहा था, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 50। हाफ ऑफ 50 मीन्स व्हाट, 50 से छोटा, तो 42 50 से छोटा है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, मोर देन 4 tens लेस देन 5 tens, तो 50 से छोटा है, 40 से बड़ा है। नेक्स्ट क्या बोला, टेंस डिजिट इज टू मोर देन वंस डिजिट, तो टेंस डिजिट की ऐसा कौन सा नंबर है जो जो आपका यूनिट जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट से जो जितना भी आ रहा है वंस डिजिट में, ठीक है, वंस डिजिट में जितना भी आ रहा है टेंस डिजिट उससे 2 ज़्यादा होगा। द टेंस डिजिट इज़ टू मोर देन वंस डिजिट। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर 42 ले रहे हैं यहाँ पे सम टुगेदर द डिजिट हैव ए सम ऑफ 6, अगर दोनों डिजिट मिला के अगर आप 6 हो रहा है तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, डेफिनेटली 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 ही आपका एकमात्र कॉम्बिनेशन है जो 6 हो रहा है, जोड़ के 6 हो रहा है, और टेंस डिजिट आपका यूनिट दैट मीन्स वंस डिजिट से 2 ज़्यादा है, तो डेफिनेटली द आंसर इज 42। ठीक है, डेफिनेटली द आंसर इज 42। तो आप लोग इसको घर में कोशिश करना, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। नेक्स्ट बोल रहे, राइट ए सेट ऑफ क्लूज फॉर ए सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन, देन गिव इट टू योर फ्रेंड एंड गेस योर सीक्रेट नंबर। तो आप भी ऐसे एक क्लू ले सकते हो, ठीक है, ऐसे सेट ऑफ क्लूज, यू कैन मेक ए सेट ऑफ क्लूज एंड यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए बोलोगे राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर, सीक्रेट नंबर के लिए आप लोग भी ऐसे एक क्लूज बना सकते हो और इस तरह का गेम आप लोग अपने फ्रेंड्स से खेल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आ रहा है नंबर सरप्राइज। ठीक है, नंबर सरप्राइज क्या है, नंबर सरप्राइज भी इसी तरह का एक गेम है, आस्क योर फ्रेंड, हमें अपना फ्रेंड को पूछना है, राइट डाउन योर एज, आपका एज कितना ये लिखना है। ठीक है, देखो मैं सपोज ऐसे लिख रहा हूँ, किसी का एज था वो 30, अच्छा कपोज किसी का एज आपका 10 है। ठीक है, इसलिए बोल रहे आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज, आपका फ्रेंड से पूछो उसका उम्र कितना है, तो 10 साल सपोज वो बोल रहा है कि उसका उम्र है 10 साल। एड 5 टू इट, अब हम लोग इस 10 को 5 से ऐड करेंगे, ऐड 5 टू इट, तो कितना हो रहा है 15, क्योंकि बोल रहा है कि जितना एज है उसके साथ 5 को ऐड करो, मल्टीप्लाई द सेम बाय 2, जितना आ रहा है 15 आया, 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 30,
देखो यहाँ बोल रहा है मल्टीप्लाई द सम बाई टू, सम कितना आया था 15 आया था, उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा 30, सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, सब्सट्रैक्ट जितना आया है उससे आप 10 माइनस करो तो कितना होगा 20, एंड नेक्स्ट डिवाइड बाई 2, उसके बाद जितना आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा 10 आ रहा है, व्हाट डू यू गेट 10, इज़ योर फ्रेंड सरप्राइज, डेफिनेटली योर फ्रेंड विल बी सरप्राइज बिकॉज इट इज़ अ क्लू गेम, बिकॉज इट इज़ अ क्लू गेम, कैसा क्लू गेम है, पहले आपका दोस्त से पूछो कि उसका एज कितना है, जितना बोल रहा है सपोज 10, 11, 12, 13, 14, जितना भी वो बोल रहा है उसके साथ 5 ऐड करो, ठीक है, 5 ऐड हो गया, अब उसके साथ जितना 5 ऐड होने के बाद जितना आ रहा है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई किया 30 हो रहा है, अब जितना भी आ रहा है उसके साथ 10 माइनस कर दो, ठीक है 10 माइनस करो, अब जितना भी आ रहा है बस 20 आ रहा है, 20 से आप 2 को डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर, ठीक है कोई भी नंबर लेके आप ये घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो तो देखना उसका जितना एज है वही एज आपका आ जाएगा, फ्रेंड्स का जो एज है वही एज आपका फिर से घुमा फिरा के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये था आपका पेज नंबर 110, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट पेज जो है 111 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।